गाइज, वेलकम बैक टू वृषभ व्लॉग्स। और आज हम लोग नैनीताल जाने वाले हैं और ये प्लान ऑल ऑफ अ सडन बना है। मतलब पहले से कोई प्रिपरेशंस नहीं थी, कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस कल शाम को ही भैया का कॉल आया कि वहां चलना है, तो अगर चल सकती हो तो मैनेज करो और चलो। कैसे चलोगी वो नहीं पता है, पर चलो। अब अचानक से इतना सब चीजें हुआ ना कि एकदम वो हो गया। मैंने यहाँ पे दवा लगाई हुई है थोड़ी सी, तो अब ना सब तो ठीक है। चलो ऑल ऑफ अ सडन प्लान बना, हम लोग रेडी भी हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन जो लास्ट मोमेंट पे आज सुबह से जो बारिश हो रही है ना, एकदम गंदी वाली, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इतनी बारिश हो रही है, अभी कवर हटाया है गाड़ी का इतनी मुश्किल से, अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, इतनी ठंड है और बारिश भी हो गई, गाड़ी भी नहीं स्टार्ट हो रही है। और ऊपर से अभी तक तो जो वो स्ट्राइक वगैरह कुछ चल रही थी, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा क्योस हुआ हुआ था। डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा था, हम लोग बाई कार जाने वाले हैं, तो वो भी बहुत बड़ा एक टास्क था। तो भैया ने खैर वो सब अरेंज कर लिया है कल रात को ही, बट अभी हमारा सिर्फ जो मेन प्रॉब्लम है वो है भैया के घर तक पहुंचने का। और वो हम लोग कार से जाएंगे, बट कार जो हमारी है वो स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इतनी लेट लतीफी के बाद हम लोग 10:30 बजे घर से निकल पाए हैं, और अभी हम लोग शायद 2 बज रहा है और हम लोग अभी लखनऊ में एंटर कर रहे हैं ना। और यहाँ पे भी हम लोगों को बहुत ज्यादा जाम मिला है, तो अभी ट्रैफिक से निकलते निकलते अभी हम लोग को काफी टाइम लगेगा वहां पहुंचने में। हम कुछ खाबो नहीं रहे ऐसे कह रहे। सब्जी मस्त है यार। मिर्चा मिला नहीं क्या इसी में? इनको देखो, दो कोना पकड़ी है एकदम। गौर से देखिए इस शख्स को, ये मेरे साथ है। सुबह 10:30 बजे से निकले निकले, अभी रात के 9 बज रहे हैं और इतना ज्यादा फॉग हो गया है इस साइड पे। हम लोग कहाँ आ गए? हल्द्वानी के पास आ गए, राइट? हाँ, यहाँ से इतना ज्यादा फॉग है कि जीरो विजिबिलिटी पे जो है आ गया है। देख रहे हैं आप, इतनी लाइटें चमक रही हैं फॉग में कि कुछ भी विजिबल नहीं है। बस आगे जो कार है उसके भरोसे हम लोग भी चल रहे हैं। टाइम हो रहा है 9 बज रहा है अभी, और अभी भी हम लोगों को 2 घंटे ट्रैवल करना है, तब हम प्रॉपर अपने होटल पहुंचेंगे। हम लोग होटल आ गए हैं, आज रात में हम लोग यहीं स्टे करेंगे, उसके बाद में कल मॉर्निंग में निकलेंगे अब जहां भी जाना है, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा फॉग है कि एक कदम भी आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो अभी फिलहाल हम लोग यहीं पे रेस्ट करेंगे आज, पहले जाएंगे डिनर करने, फिर यहाँ पे रेस्ट करेंगे, फिर कल मॉर्निंग में निकलेंगे जहाँ जाना है, ठीक है? वो ज्यादा सही पड़ेगा। चुप गई। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम लोग सुबह सुबह एक ही रूम में मर्ज हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों को रेडी होना था और सारा केओस आप देख ही सकते हैं यहाँ पे रेडी होने के बाद। और हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट है, कुछ भी हो पहले तो हम लोग लेट हो जाते हैं,
सबसे पहले तो हम लोग लेट होते हैं, तो अब लेट तो हो ही गए हैं, तो चलिए निकलते हैं वहां, फिर आपसे वहां जाके मिलते हैं, क्योंकि हम लोगों को चेकआउट भी करना है अभी। बाय बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आराम है? ये हम लोग को थोड़ा थोड़ा पहाड़ दिख रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो वहाँ पे बहुत थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी भी फॉग है ऊपर की तरफ, तो उतना क्लियर नहीं आ रहा है, बट फिर भी। सो पीपल वी आर इन कार और अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं नैनीताल की तरफ। यहाँ से 48-49 किलोमीटर समथिंग कुछ रास्ता हमारा जो है वो लेफ्ट रह गया है, तो बस। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे और यहाँ पे हम लोगों को सामने थोड़े थोड़े से माउंटेन्स दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा फॉग है ऊपर की तरफ, तो उतना क्लियर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा थोड़ा दिख रहा है कैमरे में, शायद ही आपको दिखे। मैं एक कोशिश करती हूँ आपको कि आगे जो है वो पहाड़ हम लोगों को दिखना शुरू हो गया है, वो देखिए कॉर्नर साइड में, क्योंकि अभी फॉग है तो काफी। फिर ये सोच के तसल्ली करते होंगे कि लोग हमारे पास आते हैं। यहाँ कराओ, इसमें वाली रील डालेंगे ना, अब रील शूट करो। ये भी बस सही है। हम लोग नैनीताल पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग आए हुए हैं पार्किंग में। यहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्क करके उसके बाद में दूसरी जो गाड़ी है यहाँ पे जो टूरिस्ट गाइड वाले होते हैं उनके साथ हम लोग जाएंगे, क्योंकि ज्यादा चीजें हम लोगों को पता नहीं है, तो इधर उधर भटकने से अच्छा है कि हम अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर दें और कुछ पैसे इन्वेस्ट करके आराम से हम लोग घूम लें, है ना, तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो इसीलिए बस हम लोग भी गाड़ी पार्क करके अब निकलेंगे, ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे बाहर। और पीछे आ जाओ। कहाँ बहुत टाइम है, दो तो बज रहा है, तो ये 5:30 बजे तक रहती है, 2 घंटे का टूर है हमारा। बस अच्छे थे ना वो लकड़ी वाला जो क्राफ्ट था। बहुत इतना 1000 रुपए खर्च करके आ रहे हैं, आपकी बहुत ज्यादा दे रहे हैं आ रहे हैं तेरे भाव रे एकदम, अब गाड़ी हो गया तो लेडी चले वहाँ भी है, खरीद ले रखो। देखिए इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। Oh my God! दीदी आप लोग भी देखना है, किसी की पर्स आता याद कर रहा था, देखो देखो सबने पहना आगे सपना है।
ले लो। अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम है सुसाइड पॉइंट और लवर पॉइंट करके, ऐसा यहाँ पे नाम हमको जो हमारे जो ड्राइवर साहब हैं उन्होंने बताया था। और यहाँ पे ये छोटी छोटी सी मिनी कैंडल्स लगी हुई थी, मैं वही देखने लगी थी कि ये क्या है। और उसके बाद अब हम लोग देखिए नीचे आप पहाड़ देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं जहाँ पे ये पूरी ग्रिल वगैरह लगी हुई है, तो ये पॉइंट जो है ये लवर और सुसाइडल पॉइंट माना जाता है। पर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ये हॉर्स पॉइंट ज्यादा लग रहा था, क्योंकि वहां पे इतनी बदबू आ रही थी, क्योंकि जितने भी वहां पे खच्चर और जितने भी घोड़े हैं ना, उसको लगता है रात में सब यहीं पे बांध देते हैं और दिन में वहां से हटा देते हैं और सुसाइडल पॉइंट और ये लवर पॉइंट बना देते हैं। इतनी बदबू आ रही थी यार, क्या बताएं। ऊपर से ये बंदर आ गया था यहाँ पे, तुम्हारी ऊपर आएगा। हम लोग वहाँ पे घूम चुके हैं, जो जो भी जगह थे यहाँ पे घूमने वाले, जो हमारे ड्राइवर साहब हैं उन्होंने हमें सारी जगह दिखा दी थी। 1500 लमसम उन्होंने चार्ज किया है हम चारों लोगों से। और अब हम लोग आ गए यहाँ रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए, और थोड़ा सा पेट पूजा करते हैं पहले, उसके बाद में हम लोग बोटिंग करेंगे। तो यहाँ पे खाने पे चर्चा हो रही है बहुत गंभीरता से मेरी और मेरे भाई के बीच में, तो पहले खा लेते हैं फिर चलते हैं उधर। हम लोगों ने लंच कर लिया है, खाना बहुत लाजवाब था। अब हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने, क्योंकि बोटिंग का जो टाइमिंग है वो शायद 5:30 से बंद हो जाता है, तो हम लोगों को बहुत जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। और वो जो कॉर्नर आप देख रहे हैं वहाँ कॉर्नर तक हम लोगों को जाना है पहले, तब हम लोगों को जो है वो बोटिंग का वो मिलेगा, वहाँ पे ही बना हुआ है पूरा। तो चलिए पहले उतना वॉक करके चलते हैं वहाँ पे और फिर बोटिंग करते हुए आपसे मिलते हैं। जो मेरे हाथ में आप शॉल देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने केक छुपा रखा है, क्योंकि हम लोग बोट में ही भाभी का जो केक है वो कट करवाएंगे उनका। इधर देखो धूप, धूप में कितना चमक रही बिल्डिंग है। जब आप बोटिंग की तरफ जाते हैं तो पहले आप पार्किंग वाला एरिया पूरा क्रॉस करते हैं, उसके बाद में फिर यहाँ पे ये बहुत बड़ी सी मार्केट आती है। यहाँ पे ओवरऑल पूरी मार्केट लगी हुई है, जहाँ पे आपको विंटर वियर्स बहुत सारे मिल रहे होते हैं, कैप्स हो गई, हुडीज हो गई, जैकेट्स हो गई और बहुत बहुत सारी चीजें। तो अभी तो हम लोग बोटिंग करने की जल्दी में फिर आते जा रहे हैं, और हम लोगों को पहले टिकट लेना पड़ा था, तो जो टिकट काउंटर था वो उसी साइड पे था, हम लोग शूट करना भूल गए थे। तो अब हम लोगों ने टिकट ले लिया है, अब हम लोग जो है तो अलग अलग नाव पे बैठेंगे, क्योंकि एक जो नाव है उस पे सिर्फ दो ही लोग अलाउ है, मतलब अगर एक छोटा बेबी है तो चल जाएगा, बाकी सिर्फ दो दो लोग अलाउ होते हैं। तो अब ऐसा क्यों है या क्या है, शायद टिकट महंगी होती है इस वजह से ये सीन होगा, पता नहीं। तो अब हम लोग बैठ रहे हैं, भैया और भाभी अलग नाव में और मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग अलग बैठेंगे। तो ये देखिए
थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग जा रहे हैं अब गोपिका कैंप की तरफ, जहाँ पे कैंपिंग होती है, तो हम लोग वहां पे जाएंगे। और ये देखिए हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जब हम लोग आए थे तो यहाँ की लाइटें वाइटें ऑफ हो चुकी थी, क्योंकि हम लोग बहुत लेट आए थे। तो अभी वो जो यहाँ के इंचार्ज हैं वो आई हैं और उन्होंने सारी चीजें ऑन की हैं। तो रात में ये कुछ ऐसा दिखता है। तो आज हम लोग यहीं स्टे करने वाले हैं। ये देखिए इस कैंप में लड़की रुकी हुई है। ये देखिए कितना मस्त कैंप लगा हुआ है यहाँ पर। क्या बहुत अच्छा है भाई, मजा आ गया एकदम। तुम्हारा चेहरा एकदम काला काला दिख रहा है। बस ठंड बहुत ज्यादा है। मजा है ना, बहुत बढ़िया ठंड है। देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं किस टाइम हम लोग ये मेरे चैनल पे अपनी ब्लॉगिंग कर रहा है, इसका चैनल मत देखिएगा आप लोग। नहीं निकाल लाए हम अपना, नहीं, नहीं दिक्कत नहीं होगी। बैठो, इसका ले लो यार। जब खीरा मिलना था तब नहीं मिला था, ठंडी में अब मिला है। खाओ 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 खाओ। ये तो देखना है ना, नैनीताल से ज्यादा खूबसूरत यही लगता है। हाँ सही में यार, सही बता रहे, पूरा दिन खराब कर दिया है। कंजेस्टेड था बहुत, जल्दी जल्दी भाई भाई, पैसा पैसा जहाँ जा रहे, पैसा पैसा पैसा। चलिए आपके पास वाला पैटर्न रखेंगे ना। क्या कर रही हो? गुड मॉर्निंग गाइस। क्या कर रहे हो? बस रेडी हो रहे हैं, फिर निकलते हैं। कहाँ निकलना है? बाहर। ओके। वो निकाल दियो, ब्रश निकालियो। गुड मॉर्निंग। और हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है अभी हो गई है सुबह और हम लोग काफी लेट जगे, क्योंकि रात में हम लोग कैंप बॉन्ड फायर में बैठे थे तो वहां पे बहुत ज्यादा लेट हो गया था। तो अभी हम लोग लेट से जगे हैं और अब हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग में देख रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। मैं एक स्क्रीन आपको व्यू दिखा देती हूँ, वैसे इसके बाद वाले वीडियोज में मैंने पूरे में आपको व्यू दिखाया हुआ है। इतना खूबसूरत है यहाँ पे, सनलाइट इतनी अच्छी आती है,
कि मैं आपको क्या बताऊं। और जो भी कैंप है ना वो बहुत अच्छे लगे हुए हैं, बहुत कंफर्टेबल थे, ब्लैंकेट्स वगैरह बहुत कोजी थे, बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट सच में मैंने पहली बार कैंपिंग की है और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अब मैं कैंपिंग को ज़्यादा प्रेफर करूँ। तो देखते हैं आगे, कभी हम लोग टूर करेंगे तो अब दोबारा कैंप करने का मौका कब मिलता है। लेकिन ये वाला कैंपिंग मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, खाना से लेकर के सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। और एक सेकेंड, मुझे भी चाय मिल गई है तो मैं भी अब चाय पीने जा रही हूँ। और ये जो यहाँ पे ये खड़े हुए हैं, ये वाला भैया का टेंट है, वो वाला जो टेंट आप देख रहे हैं वो हमारा है। और यहाँ पे ये अलग से भी टेंट्स लगे हुए हैं, तो जैसे आप अलग से, हम लोग कैंप के दूसरे साइड आ गए हैं, हमारा टेंट दूसरी तरफ है और हम लोग ये दूसरी तरफ आए हुए हैं। यहाँ पे भी देखिए पूरे टेंट्स लगे हुए हैं, ये भी कैंप है पूरा, और वो भी एकदम ग्रीन ग्रीन वादियों में। और ये भी रूम्स हैं, तो अगर यहाँ पे अगर कोई होम स्टे करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, वो यहाँ पे अवेलेबल है पूरा। और बाकी इन सब में लगभग अटैच बाथरूम है। और वो देखिए वहाँ पे एक अलग से जो है बाथरूम का पूरा सेक्शन बना हुआ है, जिसमें कई सारे बाथरूम्स हैं, बेसिन वगैरह लगे हुए हैं, सारी चीज़ें मेंटेन है। और यहाँ पे ऊपर में लोग रहते हैं, मतलब जिनका ये है तो वो ओनर लोग यहाँ पे ही रहते हैं, तो कोई रिस्क की बात यहाँ पे नहीं है। बहुत अच्छा व्यू आता है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे इतना अच्छा। और यहाँ पे देख लीजिए, अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग से ही फोटोशूट और वीडियोज़ में लगे हुए हैं। तो ये देखिए इधर पे ये टेंट बना हुआ है, जो किचन में लोग काम करते हैं उनके लिए ये बना हुआ है, और दूसरा ये है। और यहाँ पे हम लोग जो है अब शूट करेंगे। और यहाँ पे किचन वाला जो सेक्शन है वो आप देखिए, रात वाला व्यू आप देख ही चुके हैं, मॉर्निंग में ये कुछ ऐसा लगता है। तो यहाँ पे पूरा टीन के शेड से जो है ये बना हुआ है, और ठंडियों में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए सामने जो आप विंडो देख रहे हैं, वहाँ पे खाने का मतलब जो किचन है वो है, वहीं से ही आपको सारी चीज़ सर्व की जाएंगी। और यहाँ पे देखिए ये पूरा वो माउंटेन्स और ट्रीज आपको दिख रहे होंगे, वहाँ जहाँ चेयर लगी हुई आप देख रहे हैं, वहाँ पे कल हमारा बॉनफायर हुआ था, वहाँ पे हम लोगों ने आग जलाई थी और रात भर हम लोग वहीं बैठे हुए थे। और बाकी ये है पूरा, तो यहाँ पे अगर आप कैंपिंग करेंगे तो आपको मज़ा आ जाने वाला है। और वो जो सामने वो वाला टेंट आप देख रहे हैं वो हमारा टेंट है। तो चलिए पहले कुछ खा लेते हैं और फिर चलते हैं। खा लोगे ना आप? करेंगे ना, तो हम लोगों ने खा लिया है और अब हम लोग निकल रहे हैं वापस अपने टेंट के लिए। तो अपने टेंट पे जाते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा फोन चार्ज करते हैं, उसके बाद में लिखेंगे हम लोग वापस अपने होम टाउन के लिए। इतना अच्छा लगता है यार, ऐसी जगह पे लोगों को आना चाहिए। बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट में तो आप हमेशा रुकते हैं, ऐसे जगह पे रुकिए एक अलग वाइब मिलेगा आपको। देखिए कितना सुंदर है, ये मैं आपको बैक यार्ड दिखा रही हूँ, देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत है। ये वो रास्ता है जहाँ से हम आए थे, अभी हम आपको चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। बाकी ये वादियों का नज़ारा लीजिए। और अभी चल रहे हैं कमरे में, मतलब हमारे टेंट में, क्योंकि वहां पर हम लोगों को बेसिक चीजें रखनी है, फोन वगैरह चार्ज करना है। उफ, तो ये हमारा टेंट है जी। हाँ। तो अब हम लोग निकल रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं मतलब कैंप से, क्योंकि अब आज हम लोगों को अपने होम डेस्टिनेशन पहुंचना है। हमारे भाई साहब और ये भैया हम लोग को लेके जाएंगे बाहर तक। चलिए ठीक है, आप उसको बद मत करिए। बैग ले लेना अपना। तो अब हम लोग जा रहे हैं, बाय बाय कैंपिंग। कौन सा मोजा? इसका। कल ही आप ही ले आओ, ले आओ, उठा लो आप गाड़ी में पहनना। देखा ये वो रास्ते हैं जिससे हम लोग कल आए थे रात के अंधेरे में टॉर्च जला जला के, क्योंकि यहाँ की लाइटें जो है वो ऑफ हो गई थी, क्योंकि इनको लगा कि हम लोग अब नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग को बहुत लेट हो गया था आने में, तो इस वजह से। तो आप ये रास्ता देखते रहिए। सलजम को टर्निप। ये रास्ता बना हुआ है, I
अभी भी जल्दी चलो। रात के अंधेरे में सोचिए हम लोग इस रास्ते से आए थे, इतना डर लग रहा था, एक भी लाइट ऑन नहीं थी, हम लोग को बहुत डर लग रही थी कि यार कुछ कहीं ऐसा ना कि जंगल हो और हम लोग गलत आ गए हो और गलती से कुछ निकल विकल के आ गया सामने तो क्या करेंगे। ये आपको यहाँ पे स्टेयर्स मिल जाएंगी कुछ, इधर आप देखिए पहाड़ी देख रहे हैं कितना अच्छा है। आइए, कैसा लगा चढ़ने में? है ना, लेकिन आने में वापस हालत खराब है, देख रहे हो। कल इस रास्ते पे हम लोग कितना डरे थे ना, देखिए इधर से कितना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कैंप गोपिका करके, ये देखिए माइटी हिमालय कैंप नंबर भी है यहाँ पे, आप देख लीजिए, मैं आपको क्लोजअप से दिखा दे रही हूँ, ये देखिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्योंकि हम लोग सबसे पीछे रह गए। बेबी वेट फॉर मी, लेट्स गो। यस, मतलब हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग माउंटेन क्लाइंबिंग नहीं कर पा रहे, लेकिन वो यहाँ देख रहे हैं आप रास्ते, इनको बड़ा मजा आ रहा है। मेरी तो हालत खराब है, आप मेरी आवाज से ही समझ पा रहे होंगे। इस पहाड़ पे चढ़ना, एक बार और मैं गई थी अपने छोटे मौसा जी के साथ चित्रकूट, वहां पे हम एक आश्रम में रुके थे, वहां का रास्ता भी ऐसा ही था बिल्कुल, बहुत मजा आया था वहां भी। आई मिस दोस डेज। ये देखिए लोगों की छत है यहाँ पे, वाओ मैन, इधर जैसे घर बना रहा है। पता है आपको, ये जो आप सामने देख रहे हैं ना हट, इसको रात में हम लोग देख के डर गए थे कि अरे यार कहीं ऐसे कैंप में तो नहीं रुका देंगे, लेकिन नहीं, फिर हम लोग जब नीचे गए तब पता चला कि नहीं नहीं ठीक है। देखिए इतना लंबा रास्ता तय करके आपको जाना पड़ेगा कैंप तक। नींबू के पेड़, तो बड़े बड़े से नींबू एक ले ले। बाबू हाँ सामान रख देता हूँ, ये आओ, हम लोग की गाड़ी उधर है, गाड़ी लेने जा रहे हैं, तब तक हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं यहाँ पे, यहाँ का व्यू देखिए आप, पीछे पूरे माउंटेन्स दिख रहे हैं आपको पूरे वहां तक। अभी इन रास्तों से हमें गुजारना है, हम आपको बाकी भी दिखाएंगे। यार बहुत मजा आया था, देख रहे हैं आप कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और ये जो बीच बीच में लोगों के घर बने हुए हैं ना, उससे और रौनक आ जाती है। ऐसे इस टेम्परेचर में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे तो लगा क्योंकि फिजिकली आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है ऐसे वेदर में सर्वाइव करने। वहाँ पे हमारी कार ही खड़ी हुई है, सामान सब रखा जा रहा है, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। यहाँ पे पूरे टाइम पे घर ही बने हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, सब लोगों का जो है अपना अपना घर बना हुआ है छोटा छोटा सा, और सब लोग यहाँ टूरिज्म से ही अपनी अर्निंग करते हैं, टूरिज्म के थ्रू ही अपनी अर्निंग करते हैं मोस्टली लोग। कुछ लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में भी हैं, मतलब इस सेक्टर पे, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने जो है अर्निंग जो है वो टूरिज्म से करते हैं, तो अच्छी बात है, टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, है ना। अभी मैंने बात की थी अंदर, अभी मैंने अंदर भी बात की थी जो मैम वहाँ की ओनर है उनसे, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे अभी मतलब आज है शायद 5th ऑफ जनवरी और आज के बाद मतलब 8th ऑफ जनवरी से यहाँ पे फॉरेनर्स की जो है वो बुकिंग चल रही है, तो बुकिंग हो गई है, तो वो लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, शायद एक महीने के लिए कैंपिंग करेंगे वो लोग यहाँ पे, तो शायद अब एक महीने तक तो ये जो है वो अवेलेबल नहीं रहने वाला है। तो हम लोग बहुत लकी थे कि जो हम लोग बहुत सही टाइम पे आ गए थे, तो हम लोगों को सारी चीज़ें मिल गई, नहीं तो मुझे लगता नहीं कि अगर हम लोग एक दो दिन सोच के आते और टाइम लेके आते तो शायद हम लोगों को मिलती भी ना।
तो ये चीज थोड़ी अच्छी हुई। तो फॉरनर्स भी आएंगे अब यहाँ पे एक महीने के लिए स्टे करेंगे, तो कोई भी कैंप खाली नहीं रहेगा। सब लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, हम लोग निकलेंगे। एक अंकल थे जिन्होंने रात में हम लोग की हेल्प की थी, उन्हीं का घर है, इतना सुंदर सा एकदम विला। और गाड़ी अभी थोड़ी सी हमारी जो है स्मेल कर रही है, जो हम लोग को पचेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे जो है हम लोग रुके हुए हैं 2 मिनट के लिए। हाँ क्या बताए? थैंक यू। अच्छा वीडियो बना ली बाद में। हाँ हेलो ब्रो, हाय, अब वापस घर? ओके। वैसे टाइम तो है हमारे पास, लेकिन फॉग की वजह से हम लोग नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, तो इसलिए चलते हैं सीधा घर पहले आज, ठीक है? लखनऊ के लिए दोबारा ट्रिप मारा जाएगा ना, क्या कहते हैं आप? सो गाइज, हम लोगों का जो भी ट्रैवल ब्लॉग था घूमना फिरना वो हो चुका है, हम लोग वहां से निकल भी आए हैं, आपने देखा ही है। अभी हम लोग रास्ते में हैं, अगर हम लोग टाइम पे लखनऊ पहुंचे तो शायद थोड़ा बहुत लखनऊ में स्टे करेंगे, अदरवाइज फिर हम लोग सीधा घर निकल जाएंगे, और बहुत मुश्किल है हम लोग लखनऊ में स्टे करें आज। तो अब हम लोग बस अब जा रहे हैं, और अब आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि इस ब्लॉग को अब कर रही हूँ मैं एंड, और क्योंकि अब इसके आगे मेरी ना ही हिम्मत बची है और ना ही बैटरी। तो अब आपसे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक अपना सपोर्ट प्लीज बनाए रखिएगा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।